Assalamualaikum, dear students of 9th class. So, science में हमारा जो topic चल रहा है rational deduction है. तो कल हमने देखा कि rational deduction जो February का deduction था, इसमें आखिरकार जो है ज़ार निकोलस को वो abduct हो गए और एक ऐसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी जिसने वहाँ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, एक अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसमें हर एक सिटीजन को वोट का हक होगा, एक इस तरह से एक प्रोविंशियल हुकूमत बनी और मोनार्की जो है मोनार्की उसका खात्मा हो गया, उसको एबॉलिश किया गया. अब देखना है कि फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक और रिवॉल्यूशन आ रहा है रशिया में जिसको हम कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917. इसके डेवलपमेंट्स क्या थे, यानी फरवरी के बाद क्या डेवलपमेंट्स होते हैं और जिसकी वजह से फिर अक्टूबर रिवॉल्यूशन वजूद में आता है. तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसा कि पहले भी हमने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो थे और नोबिलिटी जो थी, लैंड ओनर्स जो थे, ये यहाँ बड़े पावरफुल थे. अब लिबरल्स और वो जो रिवॉल्यूशनरी पार्टीज जो थी, यहाँ जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वो वर्कर्स की हिमायत करती थी और रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो थी वो पेजेंट्स की हिमायत कर रही थी. तो अब जो लिबरल्स थे, लिबरल्स और ये चाहती थी कि उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हर एक सिटीजन को अपनी राइट्स मिलनी चाहिए. हम देखते हैं कि ज़ारिस्ट रिजीम में यहाँ बैन थी, एसोसिएशन्स बैन थी, पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन थी, लेकिन फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद जो नई गवर्नमेंट बनी वो बैन हटा दी गई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन हटा दी गई और एसोसिएशन्स भी वजूद में आ गई, नई नई एसोसिएशन्स बनी. और इसमें सबसे बड़ी और अहम एसोसिएशन जो थी उनको हम सोवियट्स कहते हैं. सोवियट्स मीन्स काउंसल, यानी एसोसिएशन, काउंसल एसोसिएशन. तो इन पर पहले बैन थी. तो पेट्रोग्रेड सोवियट जो है, पेट्रोग्रेड सोवियट, यह सबसे बड़ी एसोसिएशन यहाँ थी. और इस तरह से जब एसोसिएशन पर बैन हटा दी गई और आम लोग अब खुलकर अपने ख्याल का इजहार करने लगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी हद तक लोगों को मिला, तो अब जो है एसोसिएशन फिर वजूद में आ गई. और इस तरह से हम देखते हैं कि अब एसोसिएशन पर कोई बैन नहीं रही. तो 17 अप्रैल को क्या होता है, 17 अप्रैल 1917 को व्लादिमीर लेनिन, जो है जो एग्जाइल की जिंदगी गुजार रहा था, जिसके पास रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे, यानी जो बोल्शेविक पार्टी उसकी हिमायत करता था और वो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ था, वो इनका ख्याल ये था कि ये प्रॉपर्टी जो है ये नेशनलाइज होनी चाहिए. तो लेनिन जो है, अब जब यहाँ हुकूमत ज़ारिस्ट रिजीम जो ख़त्म हो गई, अब लेनिन ने 17 अप्रैल 1917 को फिर वो रिटर्न किया, वो फिर अपने मुल्क यानी रशिया में आया. और रशिया में जब आया तो उसने यहाँ अब खुलकर, अब कोई बैन यहाँ नहीं थी, अब उसने अपने आइडियाज को फिर चलाना शुरू किया. और उसने एक स्लोगन ये भी दिया, उसने तीन चीज़ों को अपनाया. नंबर वन, उसने ये चाहा कि रशिया जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में उलझ गया है, इस जंग को हमें क्लोज करना चाहिए, हमें जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तो जंग को बंद करना चाहिए. तो पहली इसकी इसने जो ये डिमांड दी कि क्लोजर ऑफ वॉर, यानी इस वार में
रशिया को बुरी तरह से शिकस्त हुई थी, और जैसे कि कल हमने देखा कि कितने फौज उसकी तबाह हो गई और कितनी प्रॉपर्टी उसकी तबाह हुई, जिसकी वजह से इसके इंडस्ट्रीज भी जो है बर्बाद हो गए, और इसके जो जो ये जो क्रॉप कल्टीवेशन थी वो भी तबाह हो गई, क्योंकि एबल्ड बॉडीज को जब में झोंक दिया गया था। तो लेनिन का ये आइडिया था कि ये इसको फौरी तौर से बंद करना चाहिए, यानी क्लोजर ऑफ वॉर इसकी पहली डिमांड थी। और दूसरी डिमांड इसकी थी, दूसरी डिमांड जो इसकी थी वो ये थी कि ये जो बैंक्स जो है इनको नेशनलाइज किया जाए, बैंक्स भी नेशनलाइज, बैंक्स भी नेशनलाइज। और तीसरी डिमांड इसकी जो थी वो ये थी कि लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू पीजेंट्स, लैंड शुड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ पीजेंट्स, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। लैंड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम नोबिलिटी, इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, ये इसकी डिमांड थी। और इस डिमांड को एडवोकेट करते थे बहुत से सोवियट्स और लिबरल्स भी। तो इस तरह से इस ये तीन चीजें जो लेकर लेनिन ने ये स्लोगन जो दिया, इसको कहते थे लेनिन लेनिन अप्रैल थीसिस। लेनिन अप्रैल थीसिस इसको कहा जाता है। तो फिर हम देखते हैं अब खुलकर जो अब ख्यालात हो रही हैं, अब जब इसके इन आइडियाज जो थे ये बोल्शेविक पार्टी जो है, बोल्शेविक्स जो हैं, ये कंसल जो हैं, ये सब इन चीज़ों को पसंद करती थी। अब ये पॉपुलर हो गई। अब लेनिन ने जो जो बोल्शेविक पार्टी जिसकी वो हिमायत करते थे, बोल्शेविक, इसको रिनेम किया गया, इट वाज रिनेम्ड एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। अब इस बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज किया गया ताकि अपने आइडियाज को, ये अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी मैनिफेस्टो को ये इम्प्लीमेंट करे, तो इसलिए बोल्शेविक पार्टी को नेम चेंज करके इसको कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। और इस तरह से हम देखते हैं अब जो जो वर्कर्स जो बैंकों इंदर इंडस्ट्रीज में काम करते थे, क्योंकि ये फरवरी रिवॉल्यूशन जो है इसमें वर्कर्स का बड़ा हाथ है, जैसे कि कल हमने देखा, तो वर्कर्स ने भी अब जो है अपनी एसोसिएशन बनाई, और क्योंकि एसोसिएशन पर कोई बैन नहीं थी, अब वर्कर्स इंडस्ट्रियल सेंटर्स में भी अब ये पार्टीज बनने लगी, एसोसिएशन बनने लगी, ये मतलब सोवियट्स बनने लगी। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं बल्कि आर्मी में भी, आर्मी जो रशियन आर्मी जो थी, आर्मी में भी अब एसोसिएशन बनने लगी, यानी आर्मी में भी एसोसिएशन बनने लगी। और आर्मी भी जो है वो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ये जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये डिवाइड हो गई। अब बहुत से आर्मी ये जो यूनियंस बनने लगी, इनमें से कुछ पार्टियां जो हैं डायरेक्ट अब लेनिन को, लेनिन की पार्टी को, बोल्शेविक पार्टी को, जिसको आज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, तो इसको ये सपोर्ट करने लगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि अब जब वर्कर्स की वर्कर्स में भी अपनी यूनियन भरी, तो इधर आर्मी में भी अब यूनियन भरी। और कहते हैं कि 500 ये जो वर्कर्स आते थे जिन्होंने आर्मी में अपनी ये जो मेंबरशिप हासिल की और यूनियंस, अपनी यूनियंस बने आर्मी में जाकर और अपनी यूनियंस बनाई, और इन्होंने सपोर्ट किया इस बोल्शेविक पार्टी को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके साथ साथ दूसरी डेवलपमेंट क्या हो रही है। तो ये जो अब जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो यहाँ थी, अब ये देखती थी कि ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये बोल्शेविक पार्टी जो है इसको सपोर्ट हासिल हुआ है, वो इसको दबाने की फिक्र में करने लगी, कि वो समझने लगी कि, और समझने लगी कि ये पॉपुलर हो रही है, ये हमको ये जो बुरी हुकूमत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसको ये ओवरथ्रो करेगी। तो इस तरह से लेनिन ने इसको सेंस कर लिया, लेनिन ने इस डेंजर को सेंस करने के लिए ये सोचा कि ये जो ये पार्टी जो है तो ये डिक्टेटरशिप कायम करेगी, यानी ये फोर्सफुली कंट्रोल करेगी, ये इस पार्टी को बैन करेगा।
तो इस तरह से लेनन भी खौफ ज्यादा था और इनको भी अपनी अप्रेहेंशन थी, और इस वजह से जुलाई 1970 में गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने स्टर्न एक्शन लिया इस बोल्शेविक यानी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ और इसके आइडियाज के खिलाफ, और इनके वर्कर्स को, इनके मेंबर्स को, इनको यानी सप्रेस किया, और बहुत से इसके जो एक्टिव मेंबर्स थे वो हाइड हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मेजर जब इन्होंने लिया, तो लेनन ने जब इस चीज को देखा, लेनन ने एक तदबीर की, लेनन ने सोचा कि इसने ये चाहा कि ये जो इस गवर्नमेंट को हमें अब ये जो है एक सीजर करना चाहिए, यानी जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट सीजर, यानी कि अब हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट पर कंट्रोल करना चाहिए, जिसको सोशलिस्ट सीजर वो कहते थे, सीजर ऑफ पावर, यानी अब गवर्नमेंट के पावर को सीज करना था। इसके लिए इसने एक अपनी पार्टी में से एक खुफिया तरीके से इन्होंने एक साजिश की, और इसको उसका नाम था लियोन ट्रॉस्की इसके लिए मुकर्रर हुआ कि ये सीक्रेट रखा गया कि ये सीजर ऑफ पावर जो करेंगे, इसका डेट मुकर्रर नहीं हुआ, और आखिरकार इसको सितंबर में इन्होंने इसको सितंबर 1917 को इन्होंने अब सीजर ऑफ पावर शुरू किया। और जब ये जो यहाँ का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो ये जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम का केरेन्की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त रशिया का, केरेन्की, इसने ट्रूप्स को बुलाने के लिए इसने विंटर पैलेस पर अपना कंट्रोल संभाला, और इसको समझ आएगी कि अब ये जो सीजर ऑफ पावर अगर हो गया तो हमें खतरा है। तो इसने ट्रूप्स मंगवाए और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया, और टेलीग्राफ ऑफिस और ये जो टेलीग्राफ ऑफिस को भी प्रोटेक्ट किया, और इस तरह से ये कोशिश हुई। तो यहाँ जो हम देखते हैं कि यहाँ हमने जो पहले कहा कि आर्मी भी एसोसिएशन में तब्दील हो गई थी, और आर्मी भी दो दड़ों में बट गई थी, और आर्मी कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रही थी, और कुछ ये जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्ट कर रही थी। अब जो है यहाँ भी आर्मी में भी एक जो एक कमेटी थी, उसको कहते हैं ये कमेटी मिलिट्री आर्मी की जो बोल्शेविक पार्टी की जो हिमायत कर रही थी, उसको कहते थे मिलिट्री। इस पार्टी का नाम था मिलिट्री रिवोल्यूशनरी पार्टी। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी पार्टी अब ये सपोर्ट करते थे बोल्शेविक्स की। अब इसने काम किया, इसने फौरन इसका एक्शन लिया, और इसने जो है इसको ऑर्डर्स मिल गए लेनिन की तरफ से मिलिट्री रिवोल्यूशनरी पार्टी को कि आप भी एक्शन करो। तो इनकी हिमायती वाली आर्मी ने एक्शन की, और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस को इसने कब्जा कर लिया, और होस्टेज रखा ऑफिसर्स को, और इस तरह से इसने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ऑफिस पर कब्जा करके, और फिर इन्होंने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू की, और इस तरह से इन्होंने इवनिंग के टाइम में पूरे इस विंटर पैलेस और तमाम टेलीग्राफ ऑफिस पर कंट्रोल संभाला, और इस तरह से मिलिट्री रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है इसने पूरी तौर से अब कंट्रोल संभाला अपना, पूरी तरह से अब इसने कंट्रोल अपना संभाला, और इस तरह से ये जो है बोल्शेविक ये जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये कामयाब हो गई इसको ये बनाने में। तो अब ये बोल्शेविक पार्टी जो थी, इसके आइडियाज क्या थे? जैसा कि हमने पहले कहा कि
बोल्शेविक पार्टी के आइडियाज क्या थे? तो नंबर वन जो यहाँ पहले लेनिन ने दिखाए हैं कि प्रॉपर्टी जो है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीजेंट्स, और दूसरी जो है ये जो अब लैंड ट्रांसफर होनी चाहिए, बैंक्स नेशनलाइज होनी चाहिए, और वॉर तो पहले ही क्लोज हो गया था, क्लोजर ऑफ वॉर जो है ये इसने कहा था। तो इसके साथ साथ अब इनके आइडियाज क्या थे, और अब ये जो प्रॉपर्टी जो थी तो इंडस्ट्रीज जो है ये इंडस्ट्रीज का इस पर ओनरशिप थी, अब ये इंडस्ट्रीज जो है ये नेशनलाइज हो गई, इंडस्ट्रीज जो है दे वायर नेशनलाइज। अब ये नेशनल प्रॉपर्टी बन गई, और इसके साथ साथ जो लैंड थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई इस में, और जो बड़े बड़े सिटीज जो हैं, सिटीज को बड़े बड़े लार्ज हाउसेस जो थे, जो सिटीज में बड़े बड़े हाउसेस थे, इन हाउसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स हाउसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये कुछ मतलब इसके कुछ मतलब इकदाम थे, स्टेप्स थे जो ये जो बोल्शेविक पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर अपने दौर में इस यहाँ ये जो इस्तेमाल किए। और इसके साथ साथ इन्होंने वो जो एरिस्टोक्रेटिक जो टाइटल्स थे, उन एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स को भी खत्म कर दिया समाज से, एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स को खत्म किया, और यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म को भी चेंज किया गया। आर्मी में जो यूनिफॉर्म थी, जो डायनेस्टी रिजीम में जो यूनिफॉर्म थी, तो उस यूनिफॉर्म के स्टाइल को भी चेंज किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब ये जो एक कम्युनिस्ट समाज बना, और इस तरह से ये जो नेशनल प्रॉपर्टी बनी, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो है अब नेशनल प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टी ये मुल्क की बनी, और गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडस्ट्रीज पर भी रहा, और ये जो बैंक्स पर भी रहा, ये सारे के सारे जो है अब गवर्नमेंट के तहत में हो गए, और अवाम की प्रॉपर्टी उसको समझा गया। तो ये अक्टूबर रेवोल्यूशन के हवाले से आज हमने देखा, तो कल हम और आगे जाएंगे, तो वो कल होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।